गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम रिकैप एंड रिवीजन डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुके हैं, तो 6 to 10 चैप्टर्स का ये रिकैप एंड रिवीजन है। इसमें 6 से लेकर 10 चैप्टर्स के बीच में जितना भी मटेरियल है उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको बेटा, वन वर्ड्स मिलेंगे, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हुए इसने, ब्लैंक रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। तो बेटा क्या चीज़ हमें लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, तो प्लांट्स के अंदर ही होगा, तो यहाँ पे प्लांट्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर नोन एज। वो एनिमल्स जो बेबीज को या फिर यंग वंस को बर्थ देते हैं बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विविपोरस एनिमल्स। थर्ड है, द लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर ट्रैप द ब्लैंक एनर्जी रिफ्लेक्ट बाई द अर्थ सर्फेस। जो लेयर है ओजोन, वो एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा क्या ट्रैप करती है, तो वो क्या ट्रैप करती है, हीट एनर्जी को ट्रैप करती है, ठीक है। नेक्स्ट था, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर क्योर्स ब्लैंक। जो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, जो गर्म और जो शुष्क वेदर होता है बेटा, वो क्या क्योर्स करता है, ड्रॉफ्ट कोर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉफ्ट आएगा, ड्रॉफ्ट का मतलब होता है सूखा। एयर इज द ब्लैंक ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर क्या है बेटा, मिक्सचर है गैसेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर आएगा। उसके बाद बेटा वन वर्ड्स यानी कि स्टेटमेंट दी हुई है, उन वो स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहला है, स्केटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट। जो स्केटरिंग होती है सीड्स की एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर अलग अलग एजेंट्स के थ्रू, वो क्या कहलाती है, सीड डिस्पर्सल, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा एनिमल दैट ले एग। वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ओविपोरस एनिमल्स। फिर है बेटा, एक ग्लास हाउस मेड ऑफ ट्रैपिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। वो ग्लास हाउस बेटा जिसका यूज़, जिसे हम किस लिए बनाते हैं, हीट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। कौन सी हीट एनर्जी जो हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन हाउस, ठीक है। फिर आता है, ए डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। उस डिवाइस का बेटा क्या नाम है जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेज़र करते हैं कि कितनी स्पीड का अर्थक्वेक आया था, तो उसे बोलते हैं बेटा सिस्मोग्राफ, ठीक है। ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। वो सब्सटेंस जो बेटा एक तरीके के एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये वन वर्ड्स थे बेटा। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, ए टर्टल इज एन ओविपोरस एनिमल्स। जो टर्टल होता है बेटा, जो कछुआ होता है, वो एक ओविपोरस एनिमल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि टर्टल्स क्या करते हैं बेटा, एग लाइंग एनिमल्स है, यानी कि अंडे देने वाले एनिमल्स है, और अंडे देने वाले एनिमल्स को यानी कि एग लाइंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्योर्स ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बेटा बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या क्योज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्योज़ हो रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है बेटा, अर्थ का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। साइक्लोन फैलिन हिट्स द कोस्टल ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन 2013। जो साइक्लोन फैलिन आया था बेटा, उसने 2013 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाकों इलाके थे उनसे आके वो टकराया था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बेटा, ट्रू है, क्योंकि जो साइक्लोन फैलिन आया था वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ही आया था। लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो बेटा एक दूसरे में नहीं मिलते उन्हें मिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, क्योंकि उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेटा ट्रू फॉल्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे और वर्ड्स थे। इन सबको आप अपनी बुक के अंदर फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।